सो गाइस, इस परफॉर्मेंस के करने के लिए आपको 10 दिन का एक ज़रूरी है, 10 दिन का कमाल का खेल है। 10 दिन प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आप पानी पानी कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा सो रहा होगा, वीडियो को अंत तक बनी रहिए। मैं जिस तरह से वर्कआउट करूँगा आप लोग भी इसी तरह से करना, बोतल को इस तरह से पकड़ना। मैं स्लो मोशन से करने जा रहा हूँ, आप लोग भी जिस तरह से मैं थ्रो कर रहा हूँ आप लोग भी इसी हिसाब से करना। बोतल को इस तरह से पकड़ना, स्विंग करना, रोटेट करना, ट्राई करना, कोशिश करना। और इसके बाद पहले तो आप इसको करने के लिए आपके पास परफॉर्मेंस बोतल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप बियर का बोतल या कोई 100 पेपर बकरडी स्मिनेवा का बोतल लेके आप प्रैक्टिस कहीं भी कर सकता है। जब पहले तो आपको नॉन फायर से करना है, जब आपका कंप्लीट प्रैक्टिस आएगा तो आप फायर से कोशिश करना। सो आई होप आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए जिन लोग को जैगलिंग नहीं आता है, उन लोग के लिए। तो इसके बाद आप कहीं भी आप स्टंट शो दिखा सकता है, कहीं भी हो, कई ओकेशन बा कोई बारटेंडर और मॉकटेल काउंटर में हो गया, मॉकटेल काउंटर में थोड़ा थोड़ा आप करते जाना, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इसी तरह आप लोग करते आइए। तो मैं वीडियो को इसीलिए स्लो मोशन से कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्लो मोशन से करने से आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसके कारण से मैं वीडियो को थोड़ा से स्लो मोशन में करके दिखा रहा हूँ। मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप लोग को, आप लोग भी जरूर, बहुत ईजी है। आपको 10 दिन करना है, हमेशा 1 घंटा 45 मिनट, इससे आप 10 दिन कीजिए, आप 10 दिन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, खाना का साथ पानी पीना इस तरह होगा आपको। इसके लिए तो आपको थोड़ा टाइम निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और मेरा बहुत लोग मेरा दोस्त लोग है बारटेंडरिंग कर रहा है, बट बहुत लोग ही है बोलते हैं हम लोग से नहीं होता है। अरे यार, आप दिन भर में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और बाकी समय क्या करते हैं आप? बेकार मूवी, रील्स, यूट्यूब ये सब देखता है। देखना ज़रूरी है, ऐसा बात नहीं है नहीं देखना है, बात खुद के लिए, खुद का स्टैंड के लिए, खुद टैलेंट के लिए। तो आपको खुद के लिए भी थोड़ा से फुर्सत निकल के प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप जाके परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो ज़रूर आप लोग भी खुद का, खुद के लिए, स्टैंड के लिए, टैलेंट के लिए, हमेशा पर्सनैलिटी के लिए 1 घंटा टाइम निकाल के आप लोग भी जरूर प्रैक्टिस करना। सो आई होप ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए जो लोग बारटेंडर कर रहा है, जो लोग को जैगलिंग नहीं आता है, उन लोग के लिए मैं वीडियो तो बनाया। सो ज़रूर आप लोग भी हमेशा 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 दिन करना। इसके बाद आप कहीं भी आपका बार काउंटर हो गया, कहीं हो गया, आप सो स्टंट दिखाना। सो आप दिखाओगे मुझे इस सब स्टंट को देखने के लिए मुझे ढेर जगह से इन्वाइट किया जाता है, कई शादी, कई ओकेशन, कई फंक्शन में, कई मुझे सेलिब्रिटी भी मिलता है। सो इसी तरह अगर आप हम लोग हमसे भी बेहतर करेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा कहीं भी मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है। इसके लिए तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ेगा, खुद को टैलेंट होना पड़ेगा, तभी जाकर आपको बुला के कहीं भी स्थान के लिए प्लेटफॉर्म में मौका मिल सकता है। तो आपका पास कुछ टैलेंट नहीं है या कुछ नहीं है तो आपको क्यों बुलाएगा? नहीं बुलाएगा ना, आपका पास कुछ होना चाहिए तब तो आपको बुलाएगा। तो इसी कारण से जो भी हम लोग का बारटेंडर कर रहा है, कमिंग जनरेशन बारटेंडर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग के बारे में मैं एक वीडियो बनाया। और वो मेरा वीडियो को आप देख के स्टेप बाय स्टेप सीख सकता है। और जो जो स्टेप आप लोग को कठिन लग रहा है, हार्ड लग रहा है, मुझे कॉन्टेक्ट करना, मुझे मैसेज करना या नोटिफिकेशन में कॉमेंट लिखना। मैं जरूर आप लोग को, जिन लोग को नहीं आता है उसको मैं ट्रेनर करने के लिए कोशिश करूँगा। मेरा साथ बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी बहुत लोग। सो और जिन लोग को भी नहीं आ रहा होगा, जरूर कोशिश करते रहना, गिरना संभलना कोशिश करना, एक दिन ना एक दिन आपको सक्सेस होना ही। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है आप नहीं कर पाएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत ईजी है, कर सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत, प्रैक्टिस, जोश, अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तो अभी आप जाके कर सकता है। सो आई होप जिससे भी आप पैर को ऐसा घुमाना, इस तरह से करना, बैक थ्रो करना, रोलिंग करना, इसी तरह आप करते जाइए,
पैर को आप कंफर्टेबल से आप देख लीजिएगा किस तरह से पैर को घुमाना है, इस तरह से आप पाइप को मूव हो जाइएगा, बोतल को स्विंग करना, रोलिंग करना, इस तरह यहाँ पे कैच करने के लिए कोशिश करना, बस इसी तरह आपको बनाते करते जाइए आपको अपने आप आ जाएगा। सो आई होप आप लोग जरूर करेंगे इस तरह से। जब फ्रंट में आदमी रहेगा आपको इस तरह से करना होगा, इस तरह से अगर फ्रंट में आदमी है तो इस तरह से फिंगर को उठा के इस तरह से आपको आदमी घूम जाना है, ओके इस तरह से। सो बाकी आप मेरा जो अगर आपको समझ भी नहीं आएगा जो मेरा स्टैंड वीडियो है इसको देख के आप अपने आप पोजीशन ले सकता है, इसको इस तरह से थ्रो करके मैंने कैच कर लिया। सो आई होप मेरा जो भी फॉलोअर्स मेरा स्टूडेंट आप लोग जरूर करेंगे, मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना, बता ही दिया। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है ना, इसका मुख में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना ज़रूरी होता है। सो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसके बाद जो भी है आपका पास स्टैंड टैलेंट आप जाइए काउंटर में जाइए स्टैंड दिखा दीजिए, आपका सामने सारा लोग कोई कैमरा वीडियो करने के लिए आ जाएंगे, मन में बहुत अच्छा फील होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, तो ज़रूर करना। सो बहुत स्लो मोशन से करते जा रहा हूँ मैं, आप लोग मुझे देख देख के सीखे आइए। सो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, मुझे मेरा लवर्स वीडियो मेरा फॉलोअर्स बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, आप लोग आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसी तरह ही मुझे आप लोग से प्यार और आशीर्वाद चाहिए और मेरा बहुत अच्छा अच्छा स्टेप भी आ रहा है। सो मेरा प्रैक्टिस पकाओ जारी है, कभी कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है इसका कारण से मैं कहीं थोड़ा अच्छा कुछ स्टंट में नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वहाँ में लाइटिंग बहुत आग में लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसका कारण से मैं कोई स्टेप यूज़ नहीं कर पाता है। तो आई होप आप लोग भी कोशिश करते रहिए, सो जरूर करेंगे आप लोग। सो इस तरह से बोतल को आपको रोटेट करना है, रोलिंग करना है, स्विंग करना है, इस तरह से एक बार दो बार इसे रोटेशन करिए, इस तरह से रोलिंग करिए, इसके बाद यहाँ कैश करने के लिए कोशिश करिए दूसरा हाथ से, आप यहाँ से यहाँ कैश कर लीजिएगा यहाँ पे, फिर आप कोशिश करना बोतल को स्विंग करने के लिए एक बार दो बार इसे स्विंग करना करने का कोशिश करते रहना यहाँ से, फिर आपको दूसरा हाथ से कैश कर लीजिएगा, दूसरा हाथ से कैश कर लीजिए यहाँ पे, इसके बाद फिर अगेन आपको क्या ट्राई करना है कोशिश कीजिए, फिर से ट्राई करना है आपको, ट्राई कीजिए इस तरह वन रोलिंग करके आपको यहाँ पे लाके दूसरा हाथ में कैश कर लीजिए। हम वीडियो को बहुत स्लो मोशन से बनाया है आप लोग के लिए, आप लोग देख देख के सीख जाइए, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा सौरा बनाया इसलिए, इसके लिए तो आपको थोड़ा से देखना भी पड़ेगा सीखना पड़ेगा मैंने बोतल को किस तरह से रोलिंग किया, किस तरह से स्विंग किया, किस तरह से कहाँ कैश किया, उसको इधर से लेके आया वहाँ पे लेफ्ट साइड में कैश किया, इस तरह से आपको देख देख के सीखिए आप लोग, बहुत इजी है। सो मुझे सीखने में तो पहले मैं जी कंप्लीट कोर्स ख़त्म करने में मुझे 1.5 साल लग गया था, थोड़ा मैं एक दो करते मुझे 1.5 साल में सारा बोतल में सारा मेरा औकात जो है प्रैक्टिस परफॉर्मेंस मैं कंप्लीट किया, मैं सारा चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मेरे को 1.5 साल लग गया था पूरा, फिर पहले एक बोतल से करता था परफॉर्मेंस, इसके बाद कोशिश करता था दो बोतल से करने के लिए, फिर दो बोतल से किया, दो बोतल करने के बाद फिर कोशिश किया तीन बोतल भी सक्सेस हो गया, तीन के बाद मैंने फिर ट्राई किया चार बोतल भी सक्सेस हो गया, इसके बाद सर पे एक बोतल लेने के लिए वो भी मैं सक्सेस हो गया, इसके बाद होने के बाद मैं फिर दो पैर में एक बोतल करके प्रैक्टिस किया, वो भी मुझे सक्सेस हो गया। सो आई होप आप लोग भी इसी तरह से कोशिश करना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा हार्ड है लेकिन प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे इजीली, तो आप लोग भी इसी तरह करना, वीडियो को अंत तक आप लोग देख ही लिया तो और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को देख ही लिया तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आई होप आप लोग भी मुझे जरूर फॉलो करेंगे मेरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जिन लोग को नहीं आता है इसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस करके जरूर अपना क्लब में हो गया कहीं ओकेशन फंक्शन कहीं शादी में आप जरूर स्टैंड करना, लेकिन आग जला रहेगा तो देखना है यहाँ में आग जला रहेगा थोड़ा आप देख लीजिएगा, नहीं तो हाथ में आग लगेगा, इस तरह से आप बोतल को लेके ऑडियंस का फ्रंट तरफ से आप इस तरह से लेके आपको घूम जाना है। सो आई होप आप लोग कोशिश करते रहिए, इसकी बात इस तरह से करना है आपको,
इस तरह से मूव करना है। इसके बाद इसको थ्रो करके दूसरा से कैच कर लीजिएगा, इस तरह से कैच कीजिएगा। इसके बाद फिर आप रोलिंग करके दूसरा हाथ से आप कैच करने के लिए कोशिश करना, इस तरह कोशिश कीजिए। फिर बैक रोलिंग करके बैक कोशिश करना, फिर आप इस तरह ही घूम जाइएगा। मैं जिस तरह से घूमा पैर को, फिर बैक रोलिंग करके बैक तरफ से कोशिश करना कैच करने के लिए, इस तरह। फिर मूव हो जाइए आदमी, घूम जाइए। इसके बाद यहाँ पे आप फिर अगेन यहाँ पे कैच कर लीजिए इस तरह से। फिर अगेन आप मिडिल में रोलिंग करके यहाँ पे कैच करने के लिए कोशिश करना। बट लेकिन उसी टाइम में आप जो फायरिंग करेगा तो अच्छा सावधान से, यहाँ में आग लगा रहेगा, तो इसी तरह से ऑडियंस को देख के आपको फ्रंट का तरफ देख के ऐसे घूम जाना है आपको। बहुत ईजी है गाइस, कोशिश करना, कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना। जब भी मौका मिलेगा और ज़रूर आप कोशिश करेंगे। सो आई होप मेरा वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आप लोग भी कोशिश करना, बिल्कुल आपको सक्सेस होना है। वन डे यू कैन डू इट, वन डे। ओके सो गाइस आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर देना। सो थैंक यू सो मच आप सपोर्टिंग के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।